अभी इंजरी हो गई थी 1.5 महीने पहले टूर्नामेंट में, तो वो परफॉर्मेंस में नहीं कर पाया, 20-25 दिन में मैट से बिल्कुल दूर रहा। तो एक खिलाड़ी के लिए एक दिन की मेहनत भी काफी मायने रखती है इतने बड़े टूर्नामेंट के पास में, तो वो चीजें वो कमी मेरे को देखने को मिली अपने जो मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया उसमें। देखिए पेन है, डॉक्टर ने रेस्ट बता रखा है, पर इस टाइम पे देखिए मैं भी रेस्ट नहीं ले सकता था, क्योंकि हर खिलाड़ी ये चाहता है कि मैं अपने देश के लिए ओलंपिक खेलूं और मेडल जीतूं। ब्रॉन्ज की जो फाइट थी उसमें मैंने कुछ भी नहीं टेप लगाया, नहीं निकब डाला, क्योंकि उसमें मैं कभी ऐसे मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, जब टेप लगाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पैर किसी ने बांध रखे हैं। तो क्योंकि डॉक्टर फिजियो थे, वो फिजियो था तो वो भी मेरे अच्छे के लिए बोल रहा था कि भाई कोई इंजरी बढ़ ना जाए, तो इसलिए उन्होंने जो, क्योंकि वो अपने काम में माहिर है, जैसे हम रेसलिंग में हैं तो वो अपने जो उनकी जो फील्ड है उसमें वो माहिर है, तो उनको ज्यादा पता होता है इंजरी का। तो लास्ट में मैंने यही बोला कि भाई डॉक्टर साहब आप प्लीज आज टेप ना करें और आज आप मेरे तरीके से रहने दें, अगर इंजरी होगी तो बाद में देख लेंगे उस चीज को। आप जितना प्यार एक मेडलिस्ट को दे रहे हैं, हारने के बाद उन लोगों को बुरा भला ना कहे, उनको भी इतना ही प्यार दे, बल्कि उनको मेडलिस्ट से ज्यादा प्यार करें, क्योंकि आगे आने वाले टूर्नामेंट में उनकी और मतलब ये बढ़ेगी, भाई हाँ सभी देशवासी हमारे लिए परे कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम और अच्छा करें। देखिए हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा मेडल जीत के लेके आए, और मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते थे, पर उनको ये ब्रॉन्ज को गोल्ड इसलिए बोल रहे कि उनको पता था मेरे को इंजरी है, तो मैं बताना भी नहीं चाह रहा था, पर उन्होंने टीवी पे देख लिया, क्योंकि माता पिता ज्यादा मतलब सोचते हैं कि भाई चोट लग गई पता नहीं कितनी होगी, हमें बताते नहीं है बच्चे, तो मैं बताना भी नहीं चाह रहा था, पर हाँ वो टीवी पे उन्होंने देख लिया, वो बाउट देख रहे थे, तो उन्होंने वो टूर्नामेंट में चोट इंजरी का, तो काफी निराश थे कि भाई इस टाइम पे इंजरी होना हमारे लिए मतलब एक नुकसान की बात है। तो मैं यही बोल के गया था कि आप इस बात की चिंता ना करें, मैं अपनी तरफ से अच्छा करूंगा, आप टेंशन फ्री रहे। तो बाउट से पहले भी जैसे कल परसों बात हुई माँ से पापा से हारने के बाद भी, तो उन्होंने बोला कि हमें पता है बेटा तेरा पैर बिल्कुल ठीक नहीं है अभी, क्योंकि मेरा माँ बोल रही थी कि मेरा तेरे पैर पे ही ध्यान था, मेरा कुश्ती पे नहीं था। तो मैंने तब भी बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कल देख लेना, कल अच्छा हुआ सब कुछ, और मैं अपनी तरफ, तो बोले कि आज जो हार हुई है उसको आप दिमाग से निकाल दे। तो उन्होंने मतलब यही मोटिवेट किया कि भाई आप जो बचा उस पर ध्यान दे, जो चला गया उस पर ध्यान मत दे, हमें पता है आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खेल और हार जीत में खेल खेल में हार जीत चलती रहती है।